हेलो नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन सा वाई पास, जिसको भी कहते हैं वीवो वाई 75 5G, जो कि लेटेस्ट मॉडल है और सिक्योरिटी भी एकदम अपडेट है। तो दोस्तों आज हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे, एक्चुअली इसमें कौन कौन से जो अपने अभी तक ट्रिक आ रहे थे, कौन कौन से वर्क करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो आप लोग देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमारा यहाँ पे गूगल अकाउंट दिख रहा है, तो इसको हम किस प्रकार से बाईपास कर सारा का सारा आज इसमें मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटा जरूर बजाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि या मैंने टॉलबैक ऑन किया, आप लोग भी टॉलबैक ऑन कर लीजिएगा और अलाउ पे क्लिक करिए, यूज बाय कमेंट पे, और इसमें बोल दीजिएगा ओनली फॉर ओपन गूगल असिस्टेंट। जैसे ही आप ये बोलेंगे तो आ जाएगा, उसके बाद में आपको बोलना है ओपन यूट्यूब। जैसे ही आप बोलोगे कि ओपन यूट्यूब, तो डायरेक्ट ही हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मैंने बोल दिया है और ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारा यूट्यूब ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक वर्क नहीं करेंगे और हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन सा ट्रिक जो कि 100% वर्केबल होगा। और यहाँ पे आप पावर ऑफ बटन को प्रेस करके रखिएगा और टॉल्क बैक जो है उसे ऑफ कर दीजिएगा। तो अभी मैंने दोस्तों YouTube की सेटिंग पे क्लिक किया और YouTube परमिशन टर्न परमिशन पे जाना है और आपका क्रोम ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको दिखाते हैं कि इसमें एक्चुअली कौन कौन से ट्रिक वर्क नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमें साइट को लिख लेना है FRP फाइल्स बाईपास। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सबसे ऊपर वाली साइड पे क्लिक कर देना है और कुछ देर तक इसकी प्रोसेसिंग चलेगी, उसके बाद में आपकी साइड जो है प्रॉपरली ओपन हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारा कुछ प्रोसेसिंग का जो डेमो चल रहा है, उसके बाद में हमारी साइड ओपन हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑप्शन दिखाऊंगा जिस पर लॉक लगाते हैं कि हमारा ये लॉक वाला ऑप्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये वर्क नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सेटअप काम नहीं करने वाला है। तो अभी हम चलते हैं जो हमारा सेटिंग ऑप्शन है और आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअली इसमें कौन सा वर्जन लगा हुआ है, उससे मोबाइल कौन सा है। ये देखिए दोस्तों एंड्रॉयड हमारा 12 वर्जन लगा है, तो इसके लिए 75 हमारा जो मोबाइल है 2275, इसके लिए मुझे क्या करना है, यहीं से दोस्तों हमारा वीडियो का जो सेटअप पे स्टार्ट होने का ट्रिक है यहीं से स्टार्ट होता है और आप लोगों के लिए 100% वर्केबल रहेगा। तो दोस्तों ये रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रीसेट एप्स आल परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देंगे और रीसेट आल सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों हमें इरेज डाटा पे नहीं क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमारा सेटअप जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक आप हमारा सेटअप रिस्टार्ट होता तब तक हम वेट कर लेते हैं। हमारा सेटअप दोस्तों रिस्टार्ट होने लगा है और सिस्टम हमारा स्टार्ट हो चुका है। दोबारा से फिर उसी प्रक्रिया के लिए हम दोहराने की कोशिश करेंगे और अपना एक मोबाइल जो है उसको भी ऑन करके रखेंगे, जिससे हमें उसको ऑन करना है इस फ़ोन को। तो चलिए दोस्तों अभी क्या है, अगर ये आपका जो पुराना मोबाइल है ये उसका गूगल प्ले अपडेटेड नहीं है तो प्लीज़ अपडेट कर लीजिएगा, अन्यथा आपका उसमें ये FRP बाईपास में वर्क नहीं करेगा। तो अभी दोस्तों हम दिखा देते हैं आपको कि जो लोग पैटर्न डाल के एप्स रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करके कर देते थे ना पैटर्न डाल के, तो अभी मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली अभी भी हमारा पैटर्न वर्क नहीं करेगा। तो अभी हम अपने वाईफाई से सेटअप को कनेक्ट कर देते हैं और दिखाएंगे कि दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर दिखाया गया है कि पैटर्न डाल देते हैं उसके पास रीसेट परफॉर्मेंस कर देते हैं क्लिक और हमारा ऑन हो जाता है। दोस्तों एक बात आपको बताता चलूँ मैं कि इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज पर ही यूज करें, ना कि किसी इनलीगल एक्टिविटी के लिए। तो दोस्तों मैंने दोबारा से फिर अपने टॉल्क बैक को ऑन कर लिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या एक चीज़ देखने को मिलती है, हमें यहाँ पे अब वो यूज कमांड वाला ऑप्शन दोबारा से शो नहीं करेगा। तो इसको किस प्रकार से शो कराएंगे, अभी मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा वो ऑप्शन अब शो नहीं होगा। अब मुझे ऊपर से नीचे की तरफ एल को बना देना है, दोबारा से फिर नीचे की ऊपर की तरफ एल बनाएंगे तो हमें यहाँ पे परमिशन मांगने की ऑडियो को ऑप्शन देगा। अब हमें मिल जाता है वो ऑप्शन और अब हम बोलते हैं दोबारा से फिर उसी काम को कि ओपन यूट्यूब, उसके बाद में बोलेंगे मैं। ये देखिए दोस्तों ये ओपन यूट्यूब हो चुका है और दोबारा से फिर उसी प्रक्रिया के तहत मैं पावर आप
वाली बटन को अब लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे और उसकी जो टॉक बैक है उसको ऑफ कर देंगे। तो अब देखते हैं, सेटिंग पे जाएंगे, अबाउट पे जाएंगे, यूट्यूब टीम्स ऑफ सर्विस पे जाएंगे, दोबारा से फिर से उसी साइट को ओपन कर लेंगे जो कि मैंने पहले साइट को ओपन की था। आप लोग भी दोस्तों उसी साइट को ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमें फिर दोबारा से कुछ टाइम तक वेट करना है, क्योंकि ये साइट ओपन होने के लिए कुछ टाइम तक इसमें जो प्रोसेसिंग चलती है उसके हमें वेट करना है। दोबारा से फिर दोस्तों हम उसमें एक पैटर्न डालने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। जो लोग कहते हैं कि नया पैटर्न डालने से हमारा काम चल जाएगा, तो दोस्तों आप लोग इस चक्कर में ना रहिएगा, क्योंकि आप पैटर्न डालने से काम नहीं चलने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने डाल दिए यहाँ पे, SIM मैं कर देता हूँ, यहाँ पे गोइट पे करूँगा, तब तक ये दोस्तों हैंगिंग लोगों पे चला जाता है। ये देखिए दोस्तों, आप दोबारा से यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका है, ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। मैं आपको फिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सेटिंग को खोल के। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा यहाँ पे पैटर्न भी पड़ चुका है लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल पासवर्ड पड़ चुका है। अभी मैं एक बार कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एक कोई और पासवर्ड लगाऊँ स्मार्ट लॉक पे, देखते हैं लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों, मैं स्मार्ट लॉक पे भी लॉक लग रहा है, बट हमारा ये मेथड जो है वर्क नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैं आपको एक दोबारा से इसी प्रक्रिया की कोशिश करने के दिखाऊंगा कि ये हमारा वर्क किया या नहीं किया। तो अभी मैं वापस चला जाता हूँ, और वापस चले जाने के बाद अब दोस्तों हमें क्या करना है, अपने दूसरे वाले फ़ोन को भी ऑन करके रखना है। ये देखिए तो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा दोबारा, फिर स्टार्ट, और अपने सेटअप को आगे बढ़ाता जाऊँगा और देखूँगा कि हमें ये पैटर्न वाला ऑप्शन जो है क्या वर्क किया या नहीं किया। तो आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ कि हमारा ये पैटर्न वाला ऑप्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पर डू नॉट कॉपी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोबारा फिर नेक्स्ट 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 पे क्लिक करके जाते रहेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमें अपने दूसरे वाले फ़ोन को ओपन कर लेना है। और दूसरे वाले फ़ोन को ओपन करने के बाद में हमें उसमें खोल लेना है गूगल असिस्टेंट का जो ऑप्शन होता है, उसे माइक के ऊपर प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पर बोलेंगे सेटअप माई डिवाइस। जैसे ही दोस्तों मैं बोलूँगा यहाँ पे सेटअप माई डिवाइस, तो हमें एक यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ऑप्शन शो होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ सेटअप माई डिवाइस, और ये देखिए दोस्तों आ चुका है। जैसे ही सेटअप माई डिवाइस पे मैं यहाँ पे दोनों को नेट से ही कनेक्ट करके रखना है, और ये देखिए दोस्तों हमारा ये यहाँ पे ऑप्शन शो होने लगेगा। ये देखो, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सर्चिंग चलेगी, और यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप देखते हैं दोस्तों कि हमें कुछ टाइम तक वेट करना है। तो यहाँ पे अपने जो हमने पासवर्ड डाला था उसको एंटर कर देना है, और एंटर कर देने के बाद में दोस्तों हमें कुछ टाइम तक वेट करना है। वेट करने के बाद में हमें कुछ ऑप्शन शो होगा, तो अभी देखते हैं दोस्तों। हमें सर्चिंग वाला डिवाइस चल रहा है, तो चलने दीजिएगा कुछ टाइम तक। जैसे ही वेट करेंगे तो दोनों सिस्टमों में एक छोटा सा लोगो दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर मैं फिर दोबारा से ट्राई अगेन करता हूँ, और कनेक्टिंग चल रही है दोस्तों। जैसे ही कनेक्ट होगा, ये देखिए दोनों में सेम ही कलर, सेम ही मॉडल, सेम ही आइकन्स दिख रहे हैं। तो हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देते हैं। कॉपी पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अपने पुराने वाले मोबाइल में हमें दोबारा से पासवर्ड को अपने को एंटर करना है, और उसके बाद में जो हमारे पुराने वाले फ़ोन में जो ईमेल आईडी पड़ी हुई है उसका पासवर्ड मुझे याद करके रखना है। यदि उसका पासवर्ड आपको याद नहीं रहता है तो दोस्तों आपका फ़ोन बाईपास नहीं हो पाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि देखिए दोस्तों, हमारा इसका ईमेल उसमें आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड दोबारा से एंटर कर देते हैं, दो जो हमारा पुराना वाला फ़ोन है उसका पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं एंटर कर लेता हूँ अपने पुराने वाले पासवर्ड को। ये देखिए दोस्तों, मैंने एंटर कर लिया और कॉपी योर अकाउंट होने लगा है। ये दोस्तों हमारा अकाउंट कॉपी होने की जो मूड में था वो स्टार्टेड हो चुका है। ये दोस्तों मेथड जो है वीवो का कोई भी मॉडल 100% वर्केबल मॉडल है, और 100% काम भी करने वाला है। ये देखिए दोस्तों, हमारा कॉपी होने लगा है। अभी देखते हैं कि हमारे इस दोबारा दूसरे वाला जो फ़ोन है, पुराना वाला फ़ोन है, इसमें कौन कौन से मॉडल, कौन कौन सा डाटा है, वो उसमें सभी दिखाएगा दोस्तों। एक्चुअली हमारे इसमें गूगल अकाउंट के अलावा कुछ नहीं है, तो कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी और करते हैं थोड़ी देर तक वेट। तो दोस्तों समझ लेना आप बात को, कि इसको किस प्रकार से आपको बाईपास करना है। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करते जाना। अब देखिए दोबारा हमारा आ चुका है, फिंगरिंगर का जो ऑप्शन आता सब आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा,
और अपने सेटअप को कायदे से नेक्स्ट करता रहूँगा। देखते हैं कि अभी हमारा ये बाईपास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे बोलना है ओके गूगल, तो चलिए दोस्तों मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ओके गूगल, और देखते हैं कि हमारा ये सेटअप कंप्लीटेड होता है या नहीं होता है। तो अभी कुछ टाइम तक वेट करें, मैं बोल देता हूँ ओके गूगल। दोस्तों ये बहुत ही टिपिकल काम होते हैं आप लोगों के लिए, तो मैं एक बार आपको फिर बता दूँ कि ये हमारा जो वीडियो है आप इनलीगल एक्टिविटी के लिए प्लीज़ उपयोग ना करें, ओनली फॉर ओनली एजुकेशन पर्पज पे ही क्लिक करें। दोस्तों हर बार आपको ओके गूगल ही बोलना है जब तक ये सेटअप वेरीफाइड ना हो जाए। ये देखिए हमारा आवाज़ मैच कर चुका है, और अब हम इसको कर देते हैं स्किप करेंगे, उसके बाद में नो, और अब हमारा होने लगा कॉपी योर डाटा, पूरा डाटा दूसरे फ़ोन में अपना कॉपी होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी दोस्तों हम थोड़ा और वेट करेंगे और देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा डाटा कॉपी हो चुका है या नहीं। जैसे ही कॉपी होगा और हमारा फ़ोन बाईपास फुल्ली वर्केबल फ़ोन बन जाएगा। दोस्तों ये वीवो का कोई भी मॉडल हो और आप किसी भी दूसरी डिवाइस से इसे अनलॉक कर सकते हैं, बस आप एक ध्यान रखें आप इलीगल एक्टिविटी की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये कानूनी जुर्म होता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने ही फ़ोन के साथ या अपना ही कोई अगर गड़बड़ फ़ोन हो चुका तो उसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं डन, और अभी देखते हैं कि हमारा गेटिंग फ़ोन रेडी होने की स्टेट मोड पे पहुँच चुका है। तो दोस्तों मैं आपसे एक उम्मीद करूँगा कि आपका फ़ोन भी अनलॉक हो चुका होगा, और आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। तो दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पे यूज फॉर न्यू पे क्लिक करें। तो दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग एक बार फिर बता दूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार से आपको नए नए वीडियो में लाता रहूँगा। एक बार दोस्तों और आपको बता दूं कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MT मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर।